Hello everyone, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel and brand new vlog. So guys, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ. सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे व्यूज देने हैं, वीडियो को अंत तक देखना है. बाकी जी और सुनाएं, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ. सो गाइज, आज हम जो है ना बैठी हूँ, मैं पार्लर से आई हूँ घर. तो मम्मा कह रही थी कि बना लो आप लोग पकोड़े कल, यानी ना मैंने सामान बना के तो रख लिया था हल्का फुल्का, लेकिन वो रात हमारे आए हैं गेस्ट, तो वो जो आलू वगैरह काटे हुए थे वो मैंने उसके अंदर डाल दिए ना चावलों के. ये अब हमें पकौड़ों के लिए चाहिए होता है एक बैंगन छोटा सा, ठीक है, एक प्याज लेना है, मेथी आप सूखी चाहिए सूखी ले सकते हैं, हरी चाहे यानी हरी ले सकते हैं पत्तों वाली, ठीक है. पालक ले लिया इतनी सी, वो बारीक बारीक काट लेंगे. बाकी आलू हम लोगों ने जिस शेप में काटने हैं, आप जिस शेप में काटते हैं उस शेप में, लेकिन मैं आप लोगों को दूसरी शेप बताऊंगी आज, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे बनते हैं. तो आप लोगों के साथ आज हम लोग ये वाली रेसिपी शेयर करेंगे. सो अभी मैं ये मसाला सारा बना लूँ, फिर आप लोगों को मिलते हैं. सो गाइस, मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं, ठीक है, बारीक बारीक इस तरह ने धोई है. मेरा वो उठा के दो आलू वाला टोकरी, और हाँ ये भी, और दूसरी वाली है, ठीक है. ये लंबी शेप में हम लोगों ने आलू कट करने हैं, जैसे हम लोग चिप्स के लिए आलू कट करते हैं वो वाले. बेटा तू आके बैठ गई है, चल बैठ जा, बैठ करो, ठीक है. ये इसमें है मेथी है, हरी प्याज है और बैंगन है हल्के बारीक बारीक कटे हुए, और नीचे है पालक. इसको कर लेंगे हम लोग मिक्स. नमक वाला डिब्बा पकड़ा है मुझे और लाल मिर्च वाला पकड़ा. ये बास्केट में टोकरी और ये छापा जाएगा. इनको हम लोगों ने पानी बाद में डालेंगे, पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, इतना पतला भी नहीं करना है, ठीक है. खोलो इसको चमची. और हमारे शादी भी स्टार्ट होने वाली है परसों. हाँ डाल और डाल, अब तुझे सुकून नहीं है, बस थोड़ा सा और डाल दे. आधी चमची डाल दे, आधी दे डाल, और थोड़ी सी डाल. बस पानी दे दे थोड़ा सा, इसका हम लोगों ने करना है अच्छे तरीके से मिक्स. चमची से यूज, चमची से ना 2-3 घंटे लग जाते हैं ऐवें. उबल गया? मीरम लोग गई हुई थी जी मामू लोगों के घर, ये आ जाए हैं. ये देखिए बेकन, इसको बारीक बारीक काटी. हेलो पकड़ी, ये धो के साइड पर रखना, काट लो. पकड़ो मीरम, पानी ज्यादा नहीं डालना कि ज्यादा ही पतला हो जाए ना, बस इतना सा डालना है कि ये जो कच्चा कच्चा पन है ना ये खत्म हो जाए अंदर से. हाँ बस, ऐसे कैसे? ये आलू नहीं है, वो निकाल दे इसको, फेंक दे बस उधर. कढ़ाई तो है, हाँ
कढ़ाई नहीं है कि छोटी कढ़ाई देख लो। सो गाइस इसको हम लोगों ने कर लिया है अच्छे तरीके से मिक्स। इधर हो रहा है हमारा दूध बॉयल, मैं दे रही हूँ हाथ एक दफा। वो कढ़ाई निकाली ना, मुझे लगता है उसके अंदर ना मीठा ऑयल है शायद वाली बात है, पक्का नहीं। ये दूध बॉयल हो रहा है। तो अब हम लोग सिर्फ इसको 5 मिनट की रेस्ट देंगे, थोड़ी देर इसको रख देंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना इसको यानी छोटे छोटे जो है ना आपको दिखाऊंगी पकौड़े बना बना के इसके, और उसको हम लोग जो है ना फ्राई कर लेंगे। सो गाइस ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया, तो इसको हमने उठाना है छोटे छोटे मिकदार में। आज हम लोग कर लेंगे थोड़ी सी हल्की, ठीक है। आप लोगों ने तब डालना है यानी जब जो है ना अच्छे तरीके से हमारा ऑयल गर्म हो जाए। अजय जी जिससे खाने पकौड़े और साथ बनाऊंगी मैं रोटी, आटा गूंदा पड़ा है। मोहित भाई ने सुबह को नाश्ता भी दिना भी किया, तो उनके लिए फिर नाश्ता बनाना है साथ साथ। भाई आप बाहर आ जाओ, क्या हुआ? ये आपके जो मोबाइल की ट्यून है ना चेंज कर लो, पहले ही मेरी ट्यून लगी होती थी। कौन सी? यार ये लगी वाली। बाहर आ जाए आप अपनी हेडफोन से खत्म करें इसको। देखिए एक साइड देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह कलर आ गया ऊपर। जब हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म होता है ना तभी जो है ना चीज पकाने का मजा आता है, तो जब हम लोग कड़का रखते हैं घी ठंडा होना तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है तो अब थोड़े से हम लोग निकाल लें, फिर टेस्ट वगैरह करके फिर आपको दिखाते हैं, और साथ में रोटी बना लूँ। सो गाइस जो पहले डाले से पकौड़े वो मैंने निकाल दिए, मोहित भाई ने नमक वगैरह चेक किया है, बताएं कैसा है? ठीक है माशाल्लाह सही बना। क्योंकि मैं अकेली पहली दफा बना रही हूँ, पहले कभी नहीं बनाया ना मैंने अकेली, मम्मा पास बैठी होती है सारा कुछ बता रही होती है, बट फर्स्ट दफा अकेली ने बनाया है। साथ साथ रोटियां बन रही है हमारी। आ जाए जी जिस इसमें खाना खाने ना मोस्ट वेलकम है, मेरे घर पहुंच जाए, घर तुम लभ लो, शहर तुम दसिया होया पिंड तुम दस नहीं सकती, बस मेरे शहर से आके किसी से भी पूछ लेना सारे बता देंगे मैं कितने रहनी हाँ। आया ये जिसने ने पकौड़े खाना है क्योंकि और चाप बन गई। सो गाइस ये साइड पे निकाल के हॉट पॉट में मैं रख रही हूँ, और ये इधर हमारी बन रही है चाय। मम्मा जानी बोल रही है कि मुझे चाय बना के दो। ये आ गई है जी फिरदौस दीदी, एंट्री मारी है इन्होंने, हम चाय में करेंगे मीठा टेस्ट। इसमें नमक भी घट से मिर्च भी घट से, उसको मेरा पसंद आया ना, मोहित को चेक कराया था वो कह रहा था अच्छा है, मोहित नहीं पता अदरक दे स्वाद। चलें फिर आपने देख लिया ना, मोहित का खाना है जो बस
चाय भी परफेक्ट हो गई। हरियां मिर्चां ते धनिया रगड़ के ओदे चटनी बनाउणी है पकौड़ियां नूं। मैं ते कपड़े चेंज करने लगी सरा पैगी। नहीं पकौड़े काट जल्दी कर। छे सुनावा लगी दही। अम्मी कहंदी पकौड़े काट, मैं क्या नहीं ओ सड़ गया चिरे कर। मैं नहाना भी है। ब्लॉग वाले ने कहना मां महीना हो गया कपड़े आप नहाती भी है। गाइस मेरी मम्मा ते मैं शहर जाना है। दो हफ्ते नहाती नहीं है। ते मुंह कर दे मेरे परसों नहाते हैं सच्ची जी। हमने आज शहर जाना है मीरब के कपड़े लेने है ना। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने टिकटॉक बना के आनी है। मैंने और मोइन ने मेनू भी काम है। मैं भी एक फिलहाल काम जाना है। उस तो बाद बाजार आज ना गए कल चल जाएंगे। चले कोई ना ਤੇ ਉਹ ਛਾਲਣੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣ। ਛਾਲਣੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹ ਥੱਲੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਸ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਧਨੀਏ ਔਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚੋਂ ਕੀ ਚਟਨੀ। ਇਹ ਮੈਨੇ ਡਾਲੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਧਨੀਆ ਡਾਲਿਆ ਔਰ ਦੋ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਡਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਭਾਈ ਗਏ ਨਹਾਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੇ ਵਾਲਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਿਖਾਓ ਕਿਆ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਈ। ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਮਾ ਜਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਹਮ ਲੋਕ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇਸਕਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ। क्यों तुम दस दी मैं सो गए। चटनी वगैरह बनाने के बाद मैंने धोया बर्तन। ठीक है उसके बाद हम लोग खाने लगे हैं खाना। तो इसरा ले आई केचप क्योंकि इसरा को पसंद है काफ़ी ज़्यादा। तो ये हम लोगों ने बनाई थी हरी मिर्च धनिया की चटनी। तो इसके साथ बड़े मज़े के लगते हैं पकौड़े तो रोटी के चटनी। पकौड़े बहुत मज़े के। जब मैं छोटी होंगी मुल्तान जाती थी ना अपने नानी नाल मेरी अम्मा ने घर पराठे बनाने असी मुल्तान शहर से जाके पकौड़े लेने फिर फुटपाथ से बह के खाने। गैस तो चली गया। अब आएगी गैस शाम को 5 बजे। कैसे बने बताओ भाई इसको मजे के बने। मार किसको पड़ी है। ये तो मैं फेरियां हुन जितियां जदों देखो 24 घंटे मेकअप थप्पे जदों देखो 24 घंटे मेकअप थप्पे। इतनी सॉफ्ट जिल तो हुंदी है केमिकल वाले मेकअप ला ला के ते बूथे दा बेड़ा गर्क कीता उन्हें चंगी ट्यून कीती फिर ए सुथरी कीती। कैसा लगा फिर खराब वीक है पप्पू बन के लेटना होता है। सो जी अब हम लोग खाते हैं खाना। बाकी जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छे अच्छे व्यूज देने वीडियो कट तक देखना। बाकी जी लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।